मुख्यमंत्री कमलनाथ की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा के विधायक कांग्रेस में आ रहे हैं, ये कहना है प्रदेश के प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह का। खबरबान के एडिटर इन चीफ अरशद खान से खास चर्चा में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पर्याप्त राशि दी जा रही है। उन्होंने आने वाले समय में होने वाले नगर निगम चुनाव में वोट परिसीमन को लेकर भी स्पष्ट प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाएगा, ये कहा। नगरी प्रशासन विभाग द्वारा पिछले 8 महीनों में कई सारी घोषणाएं की गई हैं जी, उनमें से कितनी घोषणाएं अब तक पूरी की जा चुकी है? देखिए, आज ही हमने अक्षय जल संचय अभियान चालू किया है जिसमें हम विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हर नगरीय निकाय में जल संरक्षण के लिए हम जनता को प्रोत्साहित करें। कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व है कि शहरों में हम जो भी अपने पास जल है उसको बचाएँ। विशेषकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत आवश्यक हो गया आज के समय, तो इसके लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं। साथ में हमने ये अभी घोषणा की है कि हम इंदौर को एक महाशहर के रूप में बनाएंगे जिसमें इंदौर, देवास, उज्जैन के साथ साथ पीतमपुर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी जिसमें बहुत सारी सुविधाएं। मंत्री जी, स्मार्ट सिटी को लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं कि महापौर जी कहते हैं कि अभी फंड नहीं आ रहा है इंदौर शहर के विकास को लेकर। देखिए, स्मार्ट सिटी में पर्याप्त फंड है जी। अभी भी उसमें स्टेट सेंटर से मैचिंग फंड आता है। मूल बात यही है कि जो जिन असूलों पर स्मार्ट सिटी का पूरी सोच जो बनाई गई है जिसमें लैंड को यूटिलाइज करना पड़ता है जी, अब तक वो लैंड यूटिलाइज नहीं हुआ है जी। फिर भी हमारी सोच है कि जो भी फंड स्मार्ट सिटी के लिए है उसका सही उपयोग हो जी, उसके लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। आने वाले समय में नगर निगम चुनाव है, परिसीमन को लेकर किस तरह की कवायदें की जा रही है? जी देखिए, परिसीमन एक साधारण प्रक्रिया होती है और इसका नोटिफिकेशन पहले भी आया था, लेकिन क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव आ गए थे तो वो पूरा जो अभियान है वो थोड़ा वो स्थगित हो गया था, लेकिन वो पुनः हम वापस चालू करेंगे। और जिसमें जैसे भी जैसे हर शहर बढ़ता है, नई बसाहटें आती हैं, तो उसी प्रकार से परिसमय करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वो हम करेंगे नियमानुसार। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि दो विधायक अब भाजपा में आ ही गए हैं और कितने के आने की बारी है, क्योंकि कमलनाथ जी की जो वादा था कि हम बीजेपी के लोग ले आएंगे और फ्लोर से टेस्ट जब भी होगा करा देंगे। देखिए, ये जो भी कुछ हुआ कुछ पिछले कुछ दिनों में उसका पूरा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो भाजपा के विधायक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि वो कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित हुए हैं। जो उनकी कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, इतने कम समय में उतने इतने बड़ी घोषणाएं की हैं, इतने बड़े काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब देखकर भाजपा के विधायक को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर प्रदेश का सही विकास करना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ कमलनाथ जी का साथ देना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हम पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश का विकास हो, आम जनता का विकास हो, हमारी नई जो युवा पीढ़ी है उनका विकास हो। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे जयवर्धन जी, जिन्होंने कई सारी मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि परिसीमन किया जाएगा, स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि प्रक्रिया उसके अंतर्गत फंड आता है और काम चल रहा है। कैमरा पर्सन मयूर साहू के साथ अरशद खान, खबर बांड, इंदौर।